यदि आप कनाडा में जाने की सोच रहे हैं या आप इस समय कनाडा में हैं, तो आपकी सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसा आपको बताया होगा कि कनाडा सरकार द्वारा कनाडा के ट्रकर्स को वैक्सीन लगाने के सख्त आदेश दिए, जिसके जवाब में ट्रकर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया। इससे कनाडा में खाने पीने की सप्लाई और भी कई चीज़ों की सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही, क्योंकि ज़्यादातर ट्रकर्स आंदोलन में मौजूद हैं। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे भारतीय या वो भारतीय जो वहाँ पहले से मौजूद हैं या जो घूमने गए हैं, उन सभी के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। सबसे पहले आपको अलर्ट रहना है और किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहना है। साथ ही कनाडा की लोकल अथॉरिटीज़ के आदेशों का पालन करना है, कर्फ्यू समेत सभी ऑर्डर्स का। साथ ही कनाडा की लोकल मीडिया में न्यूज़ चेक करते रहना है, और यदि आप किसी समस्या में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर इंडियन हाई कमीशन का है, और यदि आप कनाडा में है तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करवा लेना, जिससे भारतीय उच्चायोग यानी इंडियन हाई कमीशन और भारतीय कंसुलेट यानी भारतीय वाणिज्य दूतावास आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए यही उसी अपलोड्स।